अरे भैया जरा गुटका खिलाइए और दो ठीक गुलकंद का पान मान दीजिएगा, ठीक है ना? इकट्ठी और दीजिए। काबे पेलू, अरे इस दूध को पान काहे और कहाँ ले जा रहा है? अरे वो ससुर मक्खन आया हुआ है, वो जरूर कोई नया कहानी लाया होगा, इसीलिए उससे मिलने जा रहे हैं। तू उससे कहानी सुनने कहे जा रहा है बे? अबे यार देख, हमारे जीवन में तो स्त्री का सुख है ही नहीं, इसीलिए उससे कहानी सुनकर अपने अंदर के वासना के आग को जगा लेते हैं और अपना हाथ फेर कर उसमें पानी डालकर बुझा देते हैं, समझे? ऐसी बात है। हाँ। चल आज हम भी मक्खन से ना तुम्हारे साथ कहानी सुनने चलते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, एक साला पुराना वाला था मस्त राम। हाँ? अब ये साला हाँ? नया आया है मक्खन राम। चलो साला तो चलते हुए मिलते हैं। हिले लाया डिस्ट्रिक्ट। हरा मक्खन भैया का हाल चाल बा? अरे ठीक बा, तुम कैसे? अरे भैया हम का बताएं, हमारा नाम बस पेलू है लेकिन आज तक कब्बो किसी को पेल नहीं पाए हैं। अपने साथ किसको लाए हो बे? अरे ये है सुखराम, हमारा जिगरी यार है, ये अपने बारे में खुद बताएगा। अबे हमारा चेहरा का टुकुर टुकुर देख रहे हो, अपने बारे में बताओ भैया को। अब का बताए भैया, हमारा नाम भले ही सुखराम है लेकिन आज तक अपने जिंदगी में किसी स्त्री का सुख नहीं प्राप्त हुआ है भैया। हाँ। लेकिन आपका नाम मक्खन है और आप बिल्कुल अपने नाम की तरह मक्खन निकालने के लिए ही इस दुनिया में पैदा हुए हैं। एक बात बताओ, तुम दोनों के नाम में इतना बड़ा घोटाला, ये अनहोनी कैसे हुई बे? ए भैया ये अनहोनी होनी को छोड़िए और योनी की बात कीजिए, अपना कहानी सुनाइए। और हाँ भैया, ऐसा मक्खन लगा कर कहानी सुनाइएगा ना हाँ। कि हम दोनों का मक्खन जो है वो हाथ फेर कर निकल जाए। सही है गुरु, पहले ये बताओ हमारा पान लायो। अरे दूध को पान लाए हैं, हाय देखिए इनमें किमाम सब लगा के लाए। क्या बात है ये भैया, एक बात बोले, ये पान की गुलकंद की तरह ना कहानी में मिठास भर दीजिए ना। हाँ भैया एकदम सही, एकदम सही। हाँ तो सुनो गुरु, सुनाइए। हम एक बार अपने मामा जी के यहाँ गए। अच्छा अच्छा। वहाँ हमारी मामी की बड़ी बहन की लड़की सुंदरी आई हुई थी सुंदरी पढ़ाई करने के लिए। अच्छा। इस सुंदरी अपने नाम की तरह बिल्कुल सुंदर, गुलाब की पंखड़ी जैसे होंठ, फिरनी जैसी नाजुक आंखें, रेशम जैसे बाल, उसका घोड़ा बदन एकदम दूध के जैसा। अब हम पहुंचे अपने मामा जी के घर। अरे आओ आओ। प्रणाम मामी जी। खुश रहो। ठीक है मामी जी। कितनी बार बोला है मामी का पैर नहीं छूते हैं और इतना टाइम कैसे लगा दिया आने में? रास्ते में जाम था। अच्छा अच्छा, तुम बैठ कर आराम करो, मैं अंदर से चाय पानी भिजवाती हूँ। ठीक। आइए हाथ धो लीजिए। हमको लाइन मत मारिए, आके हाथ धो लीजिए। आप फिर से लाइन मारने लगे? जी आपको लाइन नहीं मार रहे थे क्या? आपको पहली बार देखा ना, तो थोड़ा सोच रहे थे। अच्छा ठीक है।
ई हमार बड़ी बहन की बेटी सुंदरी है, यहाँ पढ़ने के लिए आई है। अच्छा। जाओ अंदर से पानी लेकर आओ, और हाँ चाय भी चढ़ा देना। अरे, ठीक चाय है रहने दीजिए मामी जी। अरे ऐसे कैसे रहने दे, पता है हमें तुम्हें चाय बहुत पसंद है, बचपन में ग्लास भर के चाय पीते थे और नहीं मिला बस रोना शुरू। अरे मामी जी वो बचपन में, पता है जब आप ब्याह के आई थी तब हम 8 साल के थे और आप सिर्फ 16, हम आपसे ज्यादा छोटे नहीं है। अच्छा बबुआ, मामी पहला ही मना सुनो। अरे चलो अब नाश्ता करो, मैं चाय भिजवा। ठीक है मामी जी। क्या घंटा माल है, मामा की बड़ी बहन की बेटी, हाँ सच में बड़ी हो गई है तो। आपको कुछ चाहिए था क्या हमसे? जी नहीं। तो फिर ऐसे घूर का रहे हमको? जी हम घूर नहीं रहे थे, वो हम आपकी खूबसूरती देख रहे थे। आप बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल आपके नाम की तरह। वो तो हम भी जानते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, लेकिन आपका नाम बहुत अजीब नहीं है, मक्खन? ऐसा भी किसी का नाम होता है क्या? अजी वो कहा है ना कि लोग हमें बचपन में प्यार से मक्खन मक्खन बुलाते थे, वैसे हमारा नाम मनोज है। लेकिन हम तो आपको मक्खन ही बुलाएंगे, लगता है आपको बचपन में मक्खन खाना बहुत पसंद रहा होगा, है ना? हाँ जी, हमें बचपन में बहुत मक्खन खाना पसंद था, और अभी मक्खन लगाना। का बोले? अजी कुछ नहीं, वैसे आप पढ़ क्या रही हैं? हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अच्छा आपको डॉक्टर बनना है? जी हम भी बायोलॉजी पढ़े हैं 12वीं कक्षा के एक चैप्टर में, इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया, औरत और मर्दों के गुप्तांगों के बारे में कि औरत को एमसी कब आती है और बहुत सारी चीजें। लगता है यही सब पढ़े थे हैं? जी हाँ, वैसे हम पढ़े तो और भी बहुत कुछ हैं। अगर आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत हो रही है तो हमसे ट्यूशन ले सकती हैं आप। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं। ठीक है। अरे मामी जी काम कम कीजिए, थक जाएंगी। ये अपना घर का काम है, चलता रहता है। हाँ। और मक्खन बेटा कैसे हो? बस अभी हाथ मुंह धो के बैठे थे, आप बताइए आप कैसे हैं? बस घर के काम में लगा हूँ, और आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं, बस आराम से आए। यहाँ मन तो लग रहा है ना तुम्हारा? अरे भाई इस बार तो काफी दिनों तक मन लगेगा, क्यों मक्खन? अरे मामी ऐसा जी। और बताओ मक्खन जी, ले लीजिए बिरयानी। अरे अरे क्या बात है सुंदरी, आजकल मक्खन की इतनी खातिरदारी, बाप रे बाप। हा? क्या मौसा जी, वो मौसी ने बताया था कि मक्खन जी को बिरयानी पसंद है, बस इसीलिए। वाह, हम क्या कहते हैं कि उन्हें आज सुंदरी और मक्खन का ब्याह करा देते। अरे हमसे क्या पूछ रहे हो, दोनों आमने सामने खड़े हैं, इनसे पूछ लो क्यों सुंदरी। क्या मौसी आप भी ना। शर्मा गई। क्या मामा जी आप भी कुछ भी बोलते लो, हम गलत कहाँ बोलते हैं? आए? कभी न कभी ब्याह करोगे ना। अरे हाँ। काल करे सो आज करे, अब कब बढ़ोतरी में करोगे शादी? सुनो हम तो कहते हैं जल्दी से जल्दी इन दोनों का ब्याह करा दो। अरे ठीक है बाबा, जल्द से जल्द करा देंगे, खुश। अरे मन में लड्डू फूटने लगे। नहीं, नहीं। हमको ऐसे ना समझो, ऐसे बाल नहीं पके हमारे हैं? मामा जी हैं तुम्हारे, खाओ खाओ खाओ। ये आपको हमारे ब्याह की फिराक में है और हम अभी ब्याह नहीं करवाना चाहते। आपने कौन हो, कमी हुई तो नहीं है ना?